बात कर लेते हैं बाजार के कुछ बड़े अपडेट के बारे में। और इस वीडियो में काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, काफी कुछ आपको समझने को मिलेगा। कल बैंक निफ्टी किस तरीके से काम कर सकता है उसके बारे में बात करेंगे। आज इतनी बड़ी तेजी क्यों देखने को मिली इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले इस जगह देखिए बात करते हैं कि आज के जो मार्केट में हमको इस जगह देखिए तेजी देखने वाली इसकी वजह क्या थी, आज के मार्केट में तेजी की वजह क्या थी और इतनी बड़ी तेजी क्यों हुई है मार्केट के अंदर, ठीक है, ये भी बात करेंगे। और जो बड़ा अपडेट निकल के आया उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ देखिए हम इस जगह बात करने वाले हैं कि मंगलवार को देखिए मार्केट में क्या हो सकती है, या तो गिरावट आपकी खत्म हो चुकी है या फिर इस जगह देखिए इस जगह फिर से हमको बड़ी तेजी देखने वाली है। जो मार्केट में देखिए इस जगह हमको इस जगह देखिए एक गिरावट कंटिन्यू इस जगह जो दिखाई दे रही थी वो क्या हमको इस जगह तेजी के साथ देखिए मार्केट ऊपर की साइड आ सकता है और मंगलवार का बाजार कैसा रह सकता है इसके बारे में हम बात कर लेंगे। साथ ही साथ में अगर आप देखोगे तो मार्केट में देखिए अपडेट क्या क्या अभी तक निकल के आए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए जो मार्केट का देखिए इम्पोर्टेंट देखिए जो हमारा लेवल था उस लेवल के ऊपर देखिए क्लोजिंग मिला जो हमारे लिए काफ़ी अच्छा था। और सेंसेक्स के देखिए जो लेवल थे उसमें भी अगर हम बात करें तो एक अच्छी तेज़ी हमको देखने वाली मंडे के दिन अच्छी तेज़ी देखने वाली। PCR भी काफ़ी अच्छा पॉइंट था। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो परफॉर्म किस किस ने किया है, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए HUL का अच्छा परफॉर्मेंस था, फिर आपका देखिए यहाँ पे ICICI बैंक, आपको देखिए TCS, कोटक बैंक और फिर आपको देखिए IndusInd बैंक भी देखने मिलता है, एक्सिस बैंक मिलता है और फिर इस जगह देखिए UltraTech सीमेंट भी हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ें जो बात की जा रही है इसमें देखिए दो तीन चीज़ें और मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि निफ्टी के अंदर देखिए जो बाजार में देखिए अब आपको जो नज़र रखना है वो किस चीज़ पर नज़र रखना है यहाँ पे देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो हमारे देखिए 24,900 वाला जो लेवल था इसके ऊपर हम इस जगह बात करेंगे। और साथ ही साथ में देखिए जो BSE के देखिए इस जगह 30 स्टॉक थे देखिए उसके बारे में भी हम इसी वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। वीडियो बिल्कुल पूरा देखिए, चलिए इस जगह चार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने इस जगह चार्ट ओपन किया है। चार्ट को अगर आप देखोगे तो जो चार्ट हमको दिखाई दे रहा है ये कितने दिनों का चार्ट आपको दिखाई दे रहा है तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए आपका 12 तारीख से लेके आपका देखिए यहाँ पे आपको 4 से आगे अगर मैं बात करूँ तो 9 सितंबर तक देखिए बाजार आपका कंटिन्यू चल चुका है, ठीक है। लेकिन जब हम लंबे समय का चार्ट देखते हैं तो वहाँ पर हमारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम बात करें तो ये आपका देखिए आज का जो पूरा चार्ट था इस कॉलम के अंदर अगर आप देखोगे तो ये आज का पूरा चार्ट था। नीचे की साइड देखिए हमारा जो इस जगह सपोर्ट था जो आज का इसने सपोर्ट लिया वो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो आपको देखिए 50,300 के समथिंग का हमको सपोर्ट देखने वाला, जबकि हमारा बाइंग प्राइस ये वाला था, ठीक है। तो आज के दिन हमने नीचे की साइड तो बाइंग नहीं किया, ये तो देखिए चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो हमको क्लोजिंग देखने को मिला वो आपका 51,126 का, ठीक है, ये अच्छा लेवल है। क्योंकि यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो जो भी तेज़ी हमको देखने वाली आज के दिन जो भी हमको तेज़ी देखने वाली वो इंटर डे के अंदर देखने वाला। और जब भी देखें इंटर डे के अंदर हमको तेज़ी देखने को मिलती है तो वहाँ पर देखें जो आपका बायर है जो बाइंग करने आते हैं मार्केट के अंदर उनकी पावर दिखाई देती है। क्योंकि कल ही देखिए मैंने आपको कल ही एक डेटा बताया था, आपको याद होगा, आपने अगर वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बोला था कि FIS ने सिर्फ देखिए यहाँ पे 600 करोड़ की बिकवाली की है, ठीक है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें निकाल के दिया था लोगों ने कि यहाँ पे फ्यूचर के अंदर भी सेलिंग किया है, ऑप्शन के अंदर भी सेलिंग किया है, स्टॉक के अंदर भी सेलिंग किया है। तो वहाँ पर आपको एक चीज़ हमेशा समझना है कि जब आपके फ्यूचर में सेलिंग है या आपका देखिए इंडेक्स के अंदर सेलिंग है वो अलग चीज़ हो जाती है। क्योंकि फ्यूचर के अंदर जो चीज़ें होती है जो सेलिंग की जाती है उसको देखिए कट किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो कैश में बिकवाली होती है वो देखिए थोड़ा लॉन्ग टाइम चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे कैश में जो बिकवाली थी वो 600 करोड़ के आसपास की थी। और जो मार्केट मुझे अच्छा क्यों लग रहा था मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, मार्केट मुझे इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि जो आपके DIS है उन्होंने यहाँ पर 2,000 करोड़ की जगह खरीदारी की थी। तो आप यहाँ पे डेटा देखिए कि बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो करते हुए क्या दिखाई दे रहे हैं मार्केट में। देखिए न्यूज़ चल रहा है, न्यूज़ बहुत सारी चलती है, ठीक है। जब मार्केट आपका चलता है ना न्यूज़ बेसिस पे ऊपर भी जाता है, न्यूज़ बेसिस पे नीचे भी जाता है। लेकिन जो बड़े प्लेयर है वो मार्केट के अंदर कर क्या रहे हैं, जो बड़े प्लेयर है वो मार्केट में कितना पैसा लगा रहे हैं, वो चीज़ें हमको यहाँ पर डिसाइड करना है और वो चीज़ें हमको देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझिए
कि यहाँ पे देखिए हमारे लिए अब यहाँ पे हुआ क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो जिस तेज़ी से गिरा उस तेज़ी से देखिए ऊपर की साइड गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे हमको क्लोजिंग मिल गया। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ हमारे लिए अच्छा हुआ है कि 51,000 का देखिए जो हमारा लेवल था उसके ऊपर क्लोजिंग मिला है। ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। अगर देखिए ये कल के दिन आपका इस जगह 51,200 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें और अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। और जे वाला जो इसका हाई था, ठीक है, जे वाला जो इसका हाई था इस हाई को भी ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कंसोलिडेट किया था। ठीक है, इस हाई को भी ब्रेक करेगा। तो कल मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका ये ऊपर की साइड 51,200 के ऊपर निकलता है तो आपका 51,300, फिर आपका 51,400, फिर आपका 51,500, फिर आपका 51,600, फिर आपका 51,700, यानी इतना मूव हम ऊपर की साइड देखते हुए इसमें दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे FIS और DIS के डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप लाइक कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और उसके बाद आप कमेंट कीजिए जो भी आपको कमेंट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए ये हमारा बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसको जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने दो बुक और इस जगह देखिए आपके लिए देखिए यहाँ पे मैंने पब्लिश किया, तो इन दोनों बुकों को देखिए आप जाके देख लीजिए, काफ़ी कमाल की बुक है, आपके काफ़ी काम में आने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे एक जगह देखिए समझिए, देखिए डेटा को हमने कल पढ़ा था, कब पढ़ा था, 6 तारीख तो हमने इस जगह डेटा को देख लिया था। ठीक है, फिर आपके इवेंट थे जिसके वजह से छुट्टी थी। ठीक है, वीकेंड था। अब यहाँ पे देखिए कितना बिकवाली हुआ इस जगह अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 680 करोड़, फिर आपका देखिए 620 करोड़। ठीक है, ये आपका दो बिकवाली हुआ। लेकिन आज के दिन ही अगर हम बात करें तो फिर से FIS ने खरीदारी किया। जाएंगे कहाँ, किधर जाएंगे, आएंगे तो वापस इधर, क्योंकि मार्केट बुलिश है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए DIS तो हमारे पहले ही बुलिश थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने ये डेटा जो देखा था वो इस जगह देखा था 2,121 करोड़ का, लेकिन आज के दिन भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 1,760 करोड़ की इस जगह खरीदारी है। लेकिन आज के दिन तो भाई आपके देखिए जो DIS है वो भी 1,170 करोड़ के आसपास की खरीदारी है, यानी नेट नेट अगर हम इसमें बात करें तो ऑलमोस्ट देखिए जो नेट नेट आपका निकल के आता है वो 3,000 करोड़ से ऊपर की भी आपको खरीदारी देखने को मिल जाती है। अब देखिए कल लोगों ने इस जगह बात किया था कि इस जगह देखिए जो फ्यूचर की बिकवाली है वो इस जगह देखिए फ्यूचर की बिकवाली में देखिए होता क्या है कि यहाँ पे इंटर डे चलता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बिकवाली की है तो वो पोजीशन कट सकती है, ऐसा नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म देखिए होल्ड करेंगे, यहाँ पे कट सकती है। प्लस ऑप्शन में हैजिंग है, यहाँ पे जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पे हमको हैजिंग का भी इस जगह देखना चाहिए कि हैजिंग कितना किया मार्केट के अंदर। ठीक है, ये चीज़ें तो हमारी क्लियर हो गई। अब चलिए इसमें अपन समझ लेते हैं कि देखिए ऊपर का लेवल तो हमारे पास निकल के आया, लेकिन अब जैसे कि हम इस जगह देखिए आते हैं और यहाँ पे देखिए 1 आवर्स का चार्ट लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चार्ट पे हमको क्या क्या चीज़ें समझ में आ रहा है। चार्ट को आप देखिए, चार्ट सब कुछ कहता है। सबसे पहले कल के दिन अगर आप देखो तो मॉर्निंग वाले में देखिए हमारा यहाँ पर जो कैंडल बना था वो कैंडल क्या था, उसकी बॉडी इस तरीके की है और यहाँ पर आपका बिक काफ़ी बड़े बड़े हैं। देखिए काफ़ी बड़े बड़े बिक है, ठीक है, बिक आपका इस तरीके से बना। और जैसे इस बिक का देखिए ऊपर की साइड इसने क्या किया, क्लोजिंग किया, तो यहाँ से देखिए आप कंटिन्यू अगर आप देखो तो एक अच्छा खासा मूव देखने वाला। ठीक है, ये मैंने आपको कई बार चीज़ें समझाई है कि यहाँ पे अगर ये सेलिंग आता है और सेलिंग आने के बाद अगर ये पीछे से देखिए इसमें आपका सपोर्ट लेता है तो वहाँ से एक अच्छी तेज़ी हमको बन सकती है। अब यहाँ पर देखिए आप सपोर्ट देखोगे तो इसने सपोर्ट कहाँ से लिया, इस वाले प्राइस से लिया। देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो बिल्कुल देखिए इस वाले प्राइस से इसने सपोर्ट लिया, बोलो हाँ या ना। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लिया, ये आपका पूरा कंसोलिडेट वाला जोन हो गया जो देखिए कई समय से कंसोलिडेट कर रहा था। अब देखिए यहाँ पे अब हमारे नीचे सपोर्ट का लेवल कौन सा है, तो अब हमारा ये वाला प्राइस देखिए सपोर्ट का काम करेगा जो कि आपका 50,800 का। ठीक है, 50,800 का अब हमारा इस जगह सपोर्ट बन चुका है। अब जो भी सेलिंग आना है वो 50,800 के नीचे आएगा, वरना सेलिंग नहीं आएगा। ठीक है, और अब आपका देखिए ऊपर की साइड जो आपका रेजिस्टेंट है वो रेजिस्टेंट है आपका 51,700 का। ठीक है, 51,700 के आसपास मिलता है या इस जगह, तो हल्की फुल्की हम इस जगह से इस तरीके से सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में देखिए मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा। ठीक है, जो आपका रेजिस्टेंट वाला प्राइस है,
ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस वाला प्राइस है। मार्केट नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, अब यहाँ से और ऊपर जाता है तो इस जगह तक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलिंग देने के बाद इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, होगा क्या, ये सेलिंग आ चुका है, ये आपका मूवमेंट बना है, यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग कर दिया है। कल भी ये अगर ऊपर की साइड निकलता है तो आपका 51,200 के ऊपर निकलेगा, यहाँ से एक सेलिंग देगा, फिर आपका ये 51,000 को आपको रिटेस्ट करेगा और फिर ये इस तरीके से ऊपर का साइड निकल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर ये नीचे की साइड आता है तो आपका 51,800 तक हम इस जगह खरीदारी कर सकते हैं, और 51,800 के नीचे जाता है जब भी हमको बिकवाली का मूवमेंट देखने को मिलेगा, उससे पहले नहीं। और हमारे नीचे की साइड खरीदारी का मूवमेंट कहाँ पे है, तो नीचे की साइड जो हमारा खरीदारी करने वाला लेवल है वो आपका 49,700। ठीक है, अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ठीक है, बिकवाली का लेवल एक ही है जो कि आपका 51,700 के आसपास है। बाकी वीडियो कैसा लगा जी ज़रूर मुझे बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।